अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसद्द गोरी। अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में एक बार तो फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं और अपने नाज़रीन को सच बताना चाहते हैं और सच दिखाना चाहते हैं। तो इसी वाले से हम बात करते हैं कि जिस तरीके से मुल्क की सियासी सूरत हाल में लम्हा ब लम्हा तब्दीली भी महसूस हो रही है और गर्मा गर्मी और सियासी सूरत हाल में एक माहौल एक बनता जा रहा है कि इस मुल्क के आइंदा चंद रोज़ यानी कि 20, 21, 22 तारीखें नवंबर की जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं और आज के दिन हफ्ता भी शाम तक हो सकता है कि जब तक ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो उसके बाद भी कोई बड़ी खबरें आने की उम्मीद और तवक्कात हैं। हम ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इंडिया लंदन में मौजूद है और लंदन एक साजिश का महवर बन गया है, गढ़ बन गया है। तो गुज़श्ता रोज़ उनके भाई वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ निजी तौर दौरे के हवाले से 3 दिन वहाँ गुजार के आए हैं और नई हिदायत लेकर आए हैं। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कौमी इदारों से लड़ने का, टकराव का, और वो चाहते हैं कि ये तमाम जो फैसले हैं आइंदा जो तकरीरी के हवाले से और ये इदारों के बजाय हम हुकूमत वफाकी हुकूमत करें, जिसके पर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी जो उनके छोटे भाई हैं उनको हिदायत जारी की है और उसी हवाले से ये आर्मी एक्ट में तब्दीली के हवाले से कौमी इसलमी का इजलास मुश्तरक इजलास 20 नवंबर को तलब किया गया है और उसमें वफाकी काबीना से जो गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना का इजलास होना था मगर वो इजलास किसी वजह से मुलतवी हो गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आम लोगों से मिलते ही नहीं है और अब कोरोना पूरी दुनिया में कोरोना नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है वो कोरोना में चले गए जिसकी वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा और कोरोना की में होने की वजह से वो आइंदा लोगों से रबते से भी फिलहाल कट गए हैं क्योंकि वो तमाम सूरत हाल में बाहर रहने जाते हैं। जो आर्मी एक्ट में तब्दीली के हवाले से काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद उसको मुश्तरक इजलास में पेश करके मंजूर कराना है और ये तमाम चीज़ें ये तमाम जो हिदायतें नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन बैठ के ये फैसले कर रहे हैं जो मुल्क को कौम के लिए नुकसान दें। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान ने इस हवाले से पीछे हट गए और दस्तबरदार हो गए अपने मुतालबात से और वो इस बात पे राजी हैं और मुतमईन हैं कि आइंदा जो आने वाला आर्मी चीफ है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर आ रहा है और वो उनके आने से जो सियासी जो हालात हैं और कशीदगी है और आवाम में भी कशीदगी है वो फजा बरकरार रहेगी और ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से उनका मौकफ और उनका पीछे हटना दुरुस्त है और वो इदारों पर यकीन कर रहे हैं। हम ये देखते हैं शेख रशीद के को और उनके पति जो MNA हैं शेख अल्ताफ उनको भी धमकियाँ दी गई हैं कतल की और ये मुकामी पिंडी के थाने में धमकी आमेज फोन आए और ये मेज़बान भी हैं इस्लामाबाद में दोनों MNA इस्लामाबाद से और ये मेज़बान भी हैं। PTI की जो रैलियाँ आ रही हैं जो धरना दे रहे हैं और इमरान खान साहब का तो ऐसे हालत में शेख रशीद को और उनके भांजे को धमकियाँ को भी थाने में दी जाना एक बहुत बड़ा यानी कि एक ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हैरानी हुआ जा सकता है और दिदा दिलेरी इसको कहा जा सकता है। तो इस हवाले और दूसरी जो गढ़ी के हवाले से गढ़ी को एक इशू बना हुआ है एक मुकामी जो एक बड़े पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने और इस हवाले से ज़हूर उमर ज़हूर नामी जो शख्स सामने आया है वो भी एक बदनाम ज़माना शख्स है और इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो इस तमाम सूरत हाल में इन तमाम सूरत हाल में दुबई और लंदन में मुकदमात कायम करेंगे और हो सकता है इन चैनल्स ये जो चैनल से बड़ा इस पर पाबंदी भी लग जाए और बड़े जुर्माना उसके कानून के मुताबिक देना पड़ेगा। तो इन तमाम सूरत हाल और एक तरफ हम देखते हैं कि ये तमाम लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में भी रवा दवाएँ और जोश खरोश पाया जा रहा है। इन तमाम सूरत पर बात करेंगे सियासी हवाले से। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा भी हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली हैं राजा टवाना साहब। राजा टवाना साहब आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम राजा टवाना साहब, ये सारी सूरत हाल है इस वक्त
मुल्क की। एक तरफ इमरान खान साहब का एक इकदाम है कि वो आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से पीछे हट गए, दस्तबरदार हो गए और उन्होंने कहा कि इदारे जो फैसले करेंगे मुझे कबूल है और सीनाटी बेस पे। दूसरा है कि इन्होंने कोई भी इशू नहीं मिला हुकूमत को तो ये घड़ी का और ये निजी टीवी चैनल बड़ा इसको बड़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? और इमरान खान साहब सुना है इसके पे अदालत में भी जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब। सबसे पहले तो मैं इस वक्त अपोजिशन लीडर सेन जनाब हलीम आदिल शेख साहब के घर पे पुलिस के छापे की शदीद मुजम्मत करती हूँ। ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप हिरासमेंट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये सियासी या जमहूरी इकदाम नहीं है। इमरान खान साहब एक मजबूत किरदार और मजबूत असाब के मालिक हैं। वो अपनी जंग बहुत खूबसूरती के साथ कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। ये हमेशा से देखें सियासत के अंदर पाकिस्तान की सियासत को गंदा और बिल्कुल खराब करके रख दिया है। सियासत तो है ही नहीं पाकिस्तान में, जो क्रिमिनल लोग जमा हो चुके हैं हमारे सियासी हलकों के अंदर, उन्होंने आके सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बेसिकली वो क्रिमिनल्स हैं, उनको सियासी लड़ाई लड़नी नहीं आती। सियासी लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जाती, तोहमत इल्जाम बोहतान लगाकर या कोई टेक्निकली तौर पर किसी को नॉकआउट करके। आप जाएं मैदान अमल में, जाएं अवाम के पास जाएं, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त। इमरान खान साहब अवाम की जंग लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, हकाइक के ऊपर लड़ रहे हैं। वो जो चीज देते हैं उसकी बुनियाद होती है, उसका विटनेस होता है, मगर ये जो चीजें लड़ रहे हैं इस वक्त नून हो या जो भी उनके इत्तेहादी हैं, ये नौ जमाती है इत्तेहादी, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इस वक्त एक फजूल किस्म का पाकिस्तान को बोहरान का शिकार कर दिया है इन्होंने। आपने राइट वाले साहब जिस तरीके से कहा कि शुरू में के अपोजिशन लीडर अली मादी शेख पे छापा की मजम्मत की, हम भी मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात यह कि हम ये देखते हैं कि शेख रशीद को भी और उनके भतीजे एमएनए हैं शेख अल्ताफ, उनको भी मुकामी थाने में लंदन पिंडी के कॉल आई आई धमकी क्योंकि हम कदर कर देंगे, मुकामी थाने में कातिलों की कॉल आना, तो इस हवाले से भी एक और वहाँ पे ये मेजबान भी है इमरान खान साहब के पिंडी में मेजबान भी होंगे और धरना की शर्का के भी, तो आप इस हवाले इसको किस नजर से देखती हैं? वरी साहब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये इस कदर बुजदिल और कम जर्फ किस्म के हमारा दुश्मनों से वास्ता पड़ा है, ये सियासतदान नहीं है, ये बदतरीन कम जर्फ और बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको के लड़ना भी नहीं आता। ना ये खवातीन का एहतराम कर रहे हैं, ना ये किसी और चीज का एहतराम कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर जंग को मुसल्लत कर रहे हैं। और इनका टारगेट जो तनख्वाहदार हैं, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले यूनिफॉर्म वाले हैं, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस इनकी कारिंदा बनकर रह गई है, इनके आम नौकरों की तरह से काम कर रही है। और वो पीटीआई के मेंबर या पीटीआई के जो वफादार हैं या उनके वेल विशर्स हैं, उनके ऊपर ये हमलावर हो चुके हैं। तो ये जंगें कोई पहली पाकिस्तान के अंदर नहीं लड़ी जा रही है। सियासी मैदान बिल्कुल इमरान खान ने गरम कर रखा है। इमरान खान ने पहली बार कौम को आजादी की जंग करनी सिखाई है, और ये मैं बिल्कुल हर चीज को कंडेम्ड करती हूँ जो इमरान खान साहब पर और पीटीआई के हम सब लोगों के ऊपर जो इल्जाम और तोहमतें लगाई जा रही हैं, मैं उन सबको कंडेम्ड करती हूँ। मगर मैं एक बात आपको बता दूं कि आप देख लें कि वीडियो लिंक के थ्रू भी अवाम के जलसों में कमी नहीं आ रही है, पूरी दुनिया इमरान खान को सुन रही है और इमरान खान को सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया। अच्छा, और दूसरी तरफ राजेंद्र वाना साहब, हम ये देखते हैं कि वफाकी गवर्नमेंट का इजलास भी बुलाया था मगर वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान वो कोरोना में चले गए, एक इतला दिए भी इस वजह से मुलतवी करना पड़ा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ का प्रेशर है और जराए नहीं बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को ये भी हिदायत दी है कि वो आर्मी जो एक्ट है 176C को फौरी तौर पर तब्दील करे और मुश्तरक इजलास में उसको पास कराया जाए, जिससे वजीर आजम के पास ये इख्तियार हासिल होगा कि कोई शर्मी सदर या कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, वो आर्मी चीफ के हवाले से खुद एक राइटिंग में फैसला दे सकता है। तो आप क्या समझ रहे हैं मुल्क और कौम के लिए ये तरामीम और ये चीजें फायदेमंद है या नुकसान दे? आप खुद स्पीकर रही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये लोग बहुत ज्यादा एहतसाब करते फिर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि ये इतना इतना माल खर्च करके इतनी बारात लेकर
ये लंदन में क्यों पहुंच रहे हैं सिर्फ उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए, कानों के अंदर गले मिलने के बहाने कानों में एक दूसरे को बात की जा रही है, ये कौन से तरीकेकार है? पाकिस्तान की फौज आजाद इदारा और खुद मुख्तार इदारा है, वो हमेशा से बाइज्जत और मोहतरम रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उसकी हिस्ट्री को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप क्या समझती हैं जो ये चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत में जो गर्मा गर्मी पैदा होती जा रही है, तो आप क्या समझती हैं कि इसका फायदा किसको होगा? देखिए, इसका फायदा ये जो इस वक्त की हुकूमतें हैं जो पैराशूट से उतरी हैं, असम्बलियों पे कब्जे किए हैं, ये बाकायदा एजेंट बन चुके हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के, और पाकिस्तान के दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं, अलन ऐलान बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो बातें की जा रही हैं कि क्या बात की जाए, दो दो मतलब जिनकी कोई औकात नहीं है वो हमारे लीडर्स के ऊपर तोहमतें और इल्जाम बोतान लगा रहे हैं। हम ये जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, कौम खड़ी है पाकिस्तान आर्मी के साथ, हम इन दोनों के ऊपर कोई हरफ नहीं आने देंगे और लीगली लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया रायलटवाने साहबा। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रायलटवाना मौजूद थी, वो भी ये कह रही थी कि इमरान खान साहब के साथ आवाम है और इनके साथ आवाम नहीं है, उसके बावजूद ये जो मुल्क दुश्मन फैसलों पे उतर आए हैं और इदारों के खिलाफ एक मास्क खोल रहे हैं जो इस मुल्क के लिए खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकता है, और इसके में आइन में तरामीम की जा रही है इस हवाले से, और अगर तरामीम करने के बाद इस तरह की कोई हिदायत वजीर आजम या हुक्म जारी करते हैं जिसमें उनको फुल पावर होगा इस आर्टिकल में तब्दीली के हवाले से, तो ये एक बड़ा खतरनाक अमल होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए, और इस मुल्क की सलमियत, इस मुल्क की बका इदारों के हाथ में, इदारों के अंदर इस तरीके की दरारें डालने से जो है मुल्क का फायदा नहीं है। आप वजीर आजम के मनसब पे बैठे हैं, लंदन में जो बैठे हैं साबिक वजीर आजम तीन मरतबा रहे या मरियम नवाज, वो एक साजिश है इस मुल्क के खिलाफ, इस कौमी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। ये एक मुल्क में बगावत की बात होती है, गद्दारी की बात होती है। अपने मुल्क में बैठ के आए, बैठे बात करें और इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के आए इकदार में, जो आप तरामीम चाहते हैं, जो अख्तियार चाहते हैं, आपने पहले भी तमाम अख्तियार हासिल किए थे, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ नाकाम साबित हुए, डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटर बनने के बाद उनको भी घर जाना पड़ा और उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम आजाद खान को भी घर जाना पड़ा। अदालतों ने तो बहाल कर दिया, जब अदालतें उनको बहाल कर देती उनको हुकूमत को, तो फिर क्या नाम है, अदालतें अच्छी हैं, और अगर अदालतें आकर कब फैसला देती है, सच का फैसला देती है, तो वही अदालतें इनके लिए बुरी होती हैं, और वही इदारे जो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनका इनको तहफ़ फराहम कर रहे हैं, वो उस वक्त उनके लिए सही हैं। जब वो देखते हैं कि क्या एहतसाब का वक्त आ रहा है कड़ा, और इंशाल्लाह आएगा भी, क्योंकि आवाम अब समझदार हो चुकी है। आज भी हम ये देखते हैं सोशल मीडिया में, लंदन में जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब घर से जा रहे थे तो बाहर खड़े हुए वहाँ पाकिस्तानी शहरी उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये उनकी बेइज्जती नहीं है, ये मुल्क और कौम की बेइज्जती है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त भी उनकी इकदार है, वफाकी को हुकूमत उनकी है, तो ये हालत है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं और देखते आए हैं कि इस मुल्क का जो मीडिया है, ख़ासतौर पर चंद बड़े चैनल जो दीगर के एक मुल्क दुश्मनी पॉलिसी पर गामजन है, वो मुसलसल नेगेटिव पेश कर रहे हैं। पहले वो कलम के हवाले से, इंटरनेशनल इंटरव्यूज के हवाले से, अब घड़ी के हवाले से जो इमरान खान साहब ने घड़ी बेची और उसके मालिक स्टाल और वॉचिस के ऑनर्स भी सामने आ गए, उन्होंने भी आकर मीडिया में ये कहा है कि ये घड़ी 2019 में फरोख्त की गई इमरान खान साहब की तरफ से और 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स में। अब वो चंद हाथों से बिकती हुई एक जोर नामी शख्स के पास पहुंची और वो भी एक क्या नाम है, एक माफिया डॉन है, उसको वो बनाकर हैकर टाइप के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ इस तरह के एंकर्स को रिपोर्टें देते हैं कि आप इसको हाईलाइट करें, इसको प्रोग्राम करें, और उनके मालकान इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन मालकान को
कोई वो अंदाजा बने हुए हैं, वो भी एक बड़ी ताकत रखते हैं कि हम जो चाहे इस मुल्क में जज अपना बना लें, हम चाहे गवर्नर अपना बना लें, हम चाहे जिसको टिकट दिला दें, जिसको जिस पार्टी से एमएलए बना लें, मिनिस्टर बना लें, उसको इमरान खान ही की गवर्नमेंट में जेल में जाना पड़ा। इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत को मीडिया की, तो अब वो उनको मौका मिला और वो दुश्मनी में, वो ना सिर्फ ऐसे लोगों के दुश्मन है, सियासी लोगों के या हुकूमत के जो उनके खिलाफ खड़े हो जाए, या रिश्वत में जो लाखों करोड़ों रुपए के जो इशारा थे वो बंद कर दी जाए, रिश्वत में उनको क्रिकेट चेयरमैन ने बोर्ड के चेयरमैन उनके बंदों को नामजद कर दिया जाए, गवर्नर नामजद कर दिया जाए। हाँ, तो इन तमाम सूरत हाल पे, इन तमाम हालत के पर जो है एक 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 अलग कैफियत है, और उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं उस चैनल के एंकर और दीगर के खिलाफ, वो जो जरूर नामी शख्स है उनके खिलाफ दुबई और लंदन मुकदमे कायम करूंगा। इसके साथ ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुए हैं और वहीं से बात करूंगा कि जिस तरीके से ये चैनल्स और चंद चैनल जो है प्रोपेगंडा कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें हकीकत पे आ गई हैं, तमाम चीजें सामने आ गई हैं, और मजे की बात ये आती है कि ये तमाम चीजों में हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी क्या नाम है, इससे करप्शन जो है बड़े लेवल पे नहीं मिल रही कि उनको कोई, अगर करप्शन होती बहुत बड़े लेवल के पर तो वो तो, और ये भी एक अच्छा हुआ कि घड़ी अगर फोकट कर दी $2,50,000 की और कई पाकिस्तानी कुछ करोड़ बनेंगे, तो इमरान खान जैसी शख्सियत जो मुल्क का वजीर आजम रहा हो, वो तो एक काल के पर एक सिग्नेचर पे, उसकी एक सिग्नेचर जो किसी शर्ट पे कर देता है या कहीं बेड पे कर देता है, तो वो भी करोड़ों का बिकता है। तो ये तमाम हालात हैं, और ये जिस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया के जो चंद हैं वो जिस तरीके से कर रहे हैं, और इमरान खान साहब उसके खिलाफ अदालत में भी जाने का फैसला किया है, इन तमाम बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे इस्लामाबाद से हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अफजल भट्ट साहब, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी रोहित साहब, बात सुन। हाँ अफजल भट्ट साहब, आप ये बताएं कि जिस तरीके से चैनल्स जो है मुख्तलिफ घड़ी के हवाले से, तोशाखाना वाली घड़ी के हवाले से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इसके हवाले से मैं लंदन और दुबई में केस भी करूंगा, इन पर जुर्माना भी आई दूंगे, तो आप क्या समझते हैं कैसा मुमकिन है? देखिए ये खबरें जब कोई बड़ा आदमी होता है तो वो चप्पल पहनता है तो वो भी खबर होती है, वो नया ड्रेस पहनता है वो भी खबर होती है, वो बात करता है खड़ा होता है वो खबर होती है। तो मेरा ख्याल है किसी भी लीडर को इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि मेरे मुतलक खबर क्यों आ रही है, ठीक है जी। बेसिकली तो एक्ट एंड फिगर से लोगों को आगाह करना चाहिए। अब ये है कि ये जो खाना काबा वाली घड़ी जो है इसका नया केस सामने आया, एक बंदे ने दावा कर दिया है कि ये घड़ी मेरे पास है जी, जी ये उसकी तस्वीरें हैं, ये मैंने इतने में खरीद, ठीक है। अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो बंदा फ्रॉडिया है जी, वो फ्रॉडिया हो, लेकिन क्या उसके पास जो घड़ी है वो जैली है? क्या उसने कोई दो नंबर घड़ी तैयार कर दी है? ये उमर फारूक जरूर नामी शख्स है कोई जी, जो उम्र की बात ही बन रही है। देखिए एक आदमी जो है वो उसने 1,00,000 में फ्रॉड किया हो, लेकिन क्या अब वो जो क्लेम कर रहा है कि ये वो घड़ी है जो खान साहब को सऊदी अरब में गिफ्ट मिली थी जी, और ये घड़ी मैंने इतने डॉलर में खरीद ली है, ठीक है जी, इस बात का जवाब देना चाहिए या उसकी बैकग्राउंड डिस्कस करनी चाहिए? उसमें भट्ट साहब उनको ये कह रहे हैं कि ये तो स्टाइल ऑफ जो कंपनी है कोई घड़ियों की वॉच कंपनी, स्टाल वॉच कंपनी के मालिक भी सामने आ गए हैं, मीडिया में भी आ गए। उन्होंने कहा कि 2019 में ये घड़ी $2,50,000 अमेरिकन डॉलर से मेरे को फोकट की गई थी, उसके बाद ये 4-5 हाथों से उतरी यहाँ पे पूछी सर भट्ट साहब। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक तो उसने ये क्लेम किया है कि ये वो घड़ी है जो मैंने इतने में खरीदी है, ठीक है ना जी। अब देखना यह है कि क्या उसका क्लेम गलत है जी, क्या वो घड़ी उसके पास नहीं है, क्या वो जो घड़ी दिखा रहा है वो जाली है, ठीक है। हमें उसके बैकग्राउंड पर बहस करने की बजाय उस इशू पर बहस करनी चाहिए जिस इशू पर वो मंजर आम पर आया है, ठीक है, नंबर वन बात ये। दूसरा ये है कि अगर खान साहब, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान
एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय इल्जाम साबित करने की तरफ चल पड़े, क्योंकि यहाँ जो ब्लेम गेम चल रही है इसने पूरी हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया जी, पूरी सोसाइटी को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। जिसको देखे, जिसके हाथ में ये टेलीफोन आ गया है, कोई वो देखता ही नहीं है कि मैंने किस पर इल्जाम लगाते हुए किसी को आंसरेबल हूं, मैं किसी अदालत में जा सकता हूं, मैं किसी कानून का सामना कर सकता हूं। तो इसलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर खान साहब ये समझते हैं कि ये खबर झूठी है, तो उनको इस मामले में डिले नहीं करना चाहिए जी, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो केस कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये केस जो है वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। ठीक है जी, अगर वो ये केस कर देते हैं और केस की प्रोसीजर शुरू हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस पर सिर्फ जुबानी और दूसरा वो पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल की भी, मीडिया की चैनल की भी बात कर रहे हैं, उसके एंकर की बात कर रहे हैं कि वो उसके उसके खिलाफ भी मैं केस करने जा रहा हूँ, वो परकोंडा कर रहे हैं। डेफिनेटली कि जब वो केस करेंगे तो जिसने बात की है और जिसने वो बात टीवी चैनल पे लक्ष्य की है दोनों के खिलाफ केस होगा जी, और उस टीवी चैनल के खिलाफ भी होगा जिस टीवी चैनल पे ये बात की गई है। लेकिन अब देखना ये है कि ये केस कब तक होता है, ठीक जी, और इस केस में वो प्ली क्या लेते हैं, क्योंकि अगर खान साहब ने ये दावा किया है कि मैंने लंदन में दावा करना है तो आप पहले वकील आपको बता देता है कि आपकी ये अपील बनती है या नहीं बनती। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि अब ब्लेम गेम की बजाय अगर ये काम शुरू हो जाए, जिस बंदे के मतलब बात करें वो अगर मैदान में आ जाते हैं कि साबित करें, तो मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान में बेहतरी का रास्ता खुले जी। अच्छा अफजल भट्ट साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वफाकी काबीना इजलास भी गुजरात दिनों बुलाया था, फिर वजीर आजम कोरोना में चले गए, इस वजह से इजलास मुलतवी हो गया और मुश्तरका कौमी असेंबली में भी इजलास बुलाया जा रहा है, वो एक आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है या जमहूरियत के लिए नुकसानदेह? कोई आर्मी एक्ट में तब्दीली नहीं हो रही, 176C के आर्मी एक्ट के, ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें हैं। मैंने क्लियर किया है, मैंने बात की है कंसर्न क्वार्टर्स में, उन्होंने कहा जी कतन कोई आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हो रही, तो इसलिए बाहर आजकल अफवाहों का सीजन है जी, जी। अगले दो चार दिन में जब सूरत हाल वाजे हो जाएगी तो ये अफवाहें खुद बहुत दम तोड़ जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ फिर वो इदारों से टकराव की कैफियत में जा रहे हैं, मुझे ऐसी कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब तो ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहा है तो फिर तो टकराव वाली पोजीशन नजर नहीं आती, अगर सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है तो फिर टकराव कैसे हो। मगर अब ये देखते हैं इमरान खान साहब जो पीछे हट गए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से दस्तबरदार हो गए हैं और अपने मुतालबे से ये। तो आप ये पॉजिटिव अब जाहिर है कि मोस्ट प्रॉब्लम ये है कि दे आफ्टर टू मारो समरी चली जानी, ठीक है ना जी, और अब वो अगर पीछे ना भी हटे खान साहब तो उनको पता है कि जिसका नाम जाना है वो जाना ही जाना है, तो उन्होंने पूरा 2 महीने तक ये कंपेन कर ली है और अगर उसका कोई असर सामने आना हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज वो एक दिन पहले खामोश हो या आखिरी दिन तक भी मेरा हाल लगे रहे तो अब वो खामोशी का भी कोई फायदा नहीं मुझे नजर आता। अच्छा आप समझते हैं आर्मी एक्ट में कोई तब्दीली नहीं होगी, नए ही जो भी नए चीफ आएंगे जो भी आएंगे जी जी, और ये जो भी ये वाजे है कि अगर तो ये भी उम्र चल रही है कि बाजवा साहब कोई एक्सटेंशन में जा रहे हैं तो मैं तो इसको रूल आउट करता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा चांस नजर नहीं आता कि बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन में जा रहे हैं। मेरे इतलात के मुताबिक के ये डिसाइड हो चुका है, उनकी अलविदाई मुलाकातें जारी हैं, तमाम यूनिट उन्हें बड़े खाने पेश कर चुकी हैं और कुछ कर रही हैं, तो इट मीन्स के ही इज गोइंग। आपके समझे बड़ा आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान की सियासी हालत पे अच्छे असर तो होंगे, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च भी अभी आखिरी मराइल में चल रहा है। देखे लॉन्ग मार्च अगर इस मकसद के लिए किया जा रहा था कि आर्मी चीफ नहीं, वो इलेक्शन के हवाले से सर, इलेक्शन के हवाले से
कर्जी पर असर अंदाज होना है नहीं इलेक्शन के आम दावाद के वाले से। फिर तो जब भी आर्मी चीफ की तकरीर करीब हुआ करेगी हर अपोजिशन नामवार शुरू कर नहीं नहीं आम इंतखाबात असल तो उनका मतलब है आम इंतखाबात फौरी नहीं सर देखिए आम इंतखाबात के एक आम इंतखाबात के हवाले से अगर खान साहब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नया आर्मी चीफ आएगा और वहां आते ही इस गवर्नमेंट को चलता कर देगा और नया इन्हें मजबूर कर देगा कि आप फौरी तौर पर खान साहब का मुतालबा माने और इलेक्शन करें तो मेरा ख्याल है कि ये फौज ने जो गुज़श्ता 3-4 माह से बयानियां बनाया हुआ है क्या मां ए पॉलिटिकल है जी हमारा पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं है और हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल के वो किसी गवर्नमेंट से ये कहे कि उनके अख्तियार में मुदाहलत करके नया आर्मी चीफ ये कहे गैर आइनी तौर पर कि आपकी मुद्दत तो 6 माह रहती है आप फौरी तौर पर गैर आइनी तौर पर ये मुतालबा माने और इलेक्शन करा दे जी। मुझे इस तरह का कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से पाकिस्तान फिडल यूनियन जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब मौजूद थे और अफजल भट्ट साहब ये कह रहे थे कि अभी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि फौरी तौर पे ये गवर्नमेंट का खात्मा हो और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अफजल भट्ट साहब का मौकफ था और अफजल भट्ट साहब ने यह भी कहा कि मौजूदा जो चीफ हैं वो यकीनी तौर के पर अपनी वो उन्होंने ऐलान कर दिया विदाई दावत और दौरे कर रहे हैं तो वो रहना मजीद नहीं चाहते। और जिस तरीके से मीडिया के हवाले से और गड़ी के हवाले से जो केसेस के हवाले से इमरान खान साहब का है उन्होंने कहा कि अदालतों में जाएं और चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे मुल्क बैरून मालिक की अदालतें हों उनका राइट बनता है और ये तमाम चीज़ें जिसके खिलाफ फैसला हो और जो क्या नाम है अदालतें जो फैसला सुनाए वो हमें भी कबूल है और उनको भी कबूल होना चाहिए तो इसमें कोई डर या खौफ की किसी को भी बात नहीं है। तो ये तमाम हम सूरत हाल इस वक्त और ये सूरत हाल में एक बड़ा यानी कि मुल्क पूरा एक दाव पे लगा हुआ है और मुल्क की एक सियासी हालत के साथ माशी हालत और इंटरनेशनल सूरत हाल पे भी इसके बड़े असरात मरतब हो रहे हैं। टेलीनॉर कंपनी को $1 अरब में यूफोन ने ख़रीद लिया है यानी कि अब इंटरनेशनल इदारे या कंपनियाँ यहाँ अगर इन्वेस्ट कर रही थी और काम कर रही थी अब वो भी जो है वो भी छोड़ के मुल्क से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के की मैशियत के ऊपर धचका है कि टेलीनॉर जैसे बड़ी कंपनी जो को और मजबूरन और कोई खरीदने को तैयार नहीं था तो यूफोन पाकिस्तान की अपनी मोबाइल कंपनी है उसने $1 अरब में ख़रीद लिया है। और इस तरीके से हम और देख रहे हैं हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी देख रहे हैं तो अगर उसके भी ऊपर भी जो असरात इस तरीके से हैं कि जिसकी वजह से आम जो इस जो बाहर से चीज़ आती है जो बाहर दी जाती हैं वो भी मुतासिर है जब हमारी उन ताजरों से उन लोगों से बात होती है तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ख़ास जो है ज़रात के हवाले से हम देखते हैं जिस तरीके से सैलाब ने ज़रात को तबाह किया तो आज आप देखते हैं कि सब्जियां, आलू टमाटर और उनकी कीमतें भी आसमान में पहुंच चुकी हैं तो अब फौरी तौर के पर किसी भी तरफ एक होना है हमें क्योंकि इस मुल्क को इस परेशानियों से बाहर निकालना है। और जिस तरीके से काफिला रवा दवा है और अब वो बहुत इस्लामाबाद के करीब पहुँचता जा रहा है अभी रवात में भी से होता हुआ ये सारा आलमगीर से होता हुआ झेलम से होता हुआ ये गुजर रहा है लॉन्ग मार्च का काफिला और इस हवाले से जैसे जैसे इस्लामाबाद में लोगों का एक हजूम भी बढ़ता जा रहा है इसके अलावा भी जो इस काफिले में शामिल हैं और इमरान खान साहब भी आइंदा आज या कल कोई भी ऐलान करने वाले हैं कि वो भी कब शिरकत करते हैं इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हैं तो उस सूरत हाल में जो एक पाकिस्तान आवामी लीग के और सीनियर तरीन पार्लियामेंटरी ने 10 से 12 दफ़ा नेशनल असम्बली के मेंबर रहे कई दफ़ा वो वफाकी वज़रा के थे और हाल ही में वो वज़ीर दाखला थे उनको और उनके जो भांजे हैं MNA उनको कत्ल की धमकियों की काल मुकामी पिंडी के थाने में आना है एक बहुत बड़ा इकदाम है बहुत बड़ा दीदा दिलेरी है और वही इस तमाम
जो लॉन्ग मार्च पूरा पाकिस्तान से आ रहा है, ये दोनों एमएनए भी हैं यहीं से, वो उसके ये मेजबान भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये देखते हैं कि ये एक बड़ा यानी कि धमकी आमेज जो है पैगाम है, जहाँ से भी आया है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनके घर भी तमाम जो रहाइश इस्लामाबाद लाहौर वाली जमान पार्क में वो भी सारे बेडरूम शीशे दरवाजे लगा खिड़कियाँ लगा दी गई हैं। तो अब यहाँ इमरान खान आवाम में आएंगे, अवामी इज्तम में मौजूद होंगे और इसमें दुश्मन भी मुल्की भी और गैर मुल्की भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसे वक्त में काल आना हो वो भी मुकामी पुलिस को, जिसके लिए अभी शेख रशीद भी वहाँ पहुँचे हैं, पुलिस से बातचीत भी हुई है उनकी और पीटीआई की, जबकि वहाँ के पीटीआई की गवर्नमेंट है पिंडी में। तो ये तमाम जो सूरत हाल हैं, और इमरान खान साहब ने अभी कहा कि दो दिन में मैं ऐलान भी करने वाला हूँ कि कब पहुँचूँगा और कहाँ इस्लामाबाद होंगे या पिंडी होंगे, मगर ज़्यादा दारोमदार पिंडी ही है उनका और ज़्यादा फोकस पिंडी है। मगर जिस तरीके आप सारे फैसले जो होने इसी महीने होने, चाहे वो किसी भी हवाले से हों, और आइंदा मैंने अपने प्रोग्राम में शुरू होने से पहले भी कहा था कि आइंदा 20 21 22 जो नवंबर है और ये बड़ी अहमियत के हामिल दिन है। और आप ये देखें कि नवंबर का महीना हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है। नवंबर में 18-19 नवंबर को भी पाकिस्तान का एक तारीख थी कि 16 और 19 नवंबर को इलेक्शन भी कौमी असम्बली के क्या नाम है कराए गए थे, और ये उस वक्त हुआ था जब मार्शल लॉ लगने के बाद हुकूमत 88 की बात। इसी तरह जब नवंबर में हम देखते हैं कि सियासी हवाले से हुकूमती हवाले से बड़े फैसले हुए हैं और नवंबर को बड़ी अहमियत का हामिल देखा गया है, तस्वर किया गया है। तो अब ये नवंबर जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे इसकी तारीखें बढ़ती जा रही हैं, और तो हम ये देखते हैं कि सियासी और हुकूमती फ़जा और दिगर इदारों में भी आगे जो तकरिया तबादले की सूरताल सामने आ रही है अब, और नवंबर में ही तवक्कुआत हैं। इमरान खान साहब भी तवक्को रखते हैं कि उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए और आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि नवंबर गुजरने के बाद शायद हो सकता है कि जनवरी तक इन तमाम फैसलों पर फैसले हो जाएँ जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी की तरफ है। और दिगर हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो प्लानिंग है उस पर शहबाज शरीफ खुद भी मुतमिन नहीं है। शहबाज शरीफ खुद चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें तकरीर तबादले हो जाएं, उसके बाद मैं एज वज़ीर आज़म अपनी काबीना से इस्तीफा दे दूं और नए इंतखाबात की तरफ जाएं। शहबाज शरीफ भी तमाम सूरत से बाहर निकलना चाहते हैं, मगर उनको नवाज शरीफ जो उनके बड़े भाई हैं वो निकलने नहीं देते। जब देखें अलविदाई मुलाकात कर रहे थे तो बड़े चूम रहे थे, बड़े प्यार कर रहे थे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। और अभी आप देखें तमाम कमेटियों में और CCIL कमेटी में भी इसहाक डार का नाम डाल दिया, हर जगह पे इसहाक डार को आगे किया जा रहा है क्योंकि इसहाक डार पे वो भरोसा करते हैं और इसहाक डार कोई वो अपना खैरख्वाह समझते हैं, ना कि वो अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। ये भी एक बड़ा तजाद है, बड़ा इख्तलाफ है, बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये समझा कि बेहतर है कि लोगों से मिला जाए, बेहतर है किसी फैसले में उनकी गर्दन फंसे, तो उससे बेहतर ये है कि कोरोना में चले आओ। जबकि कोरोना तो लंदन में भी अब नहीं है, वो जो लंदन से वापस आए, और कोरोना तो उन लोगों में भी नहीं जिनसे वो मुलाकातें करते हैं। तो ऐसे कोरोना को बदनाम किया जा रहा है, एक दफा दुनिया में कोरोना बदनाम हुआ, अब कोरोना को बदनाम किया जा रहा है। कोरोना भी बड़ा परेशान हुआ कि पाकिस्तान में सियासी हवाले से या हुकूमती हवाले से जो भी मसला होता है वो उसको कोरोना को इस्तेमाल करता है। तो हमें डरना चाहिए अल्लाह पाक से कि वो बीमारियों से महफूज रखा हुआ है, और महफूज रखते हुए अगर कोई शख्स को ऐसे बीमारियां वो अपने पर रागिब कर लेता है तो फिर ये अल्लाह की पकड़ है। तो खौफ खुदा होना चाहिए, और जब आप मनसब पे बैठे हैं, जिस मनसब पे हैं, तो उस मनसब का फल बनता है कि आप जवाबदार हैं आवाम में भी और अल्लाह पाक को भी। इसी के साथ अपने मेज़बान तसद्दुक़ गौरी को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर हम अहम इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।